फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा जो व्लॉग है वो है कार वॉशिंग पे। तो हमारी कार जो है वो इस टाइम वॉश हो रही है और ये हमारे भाई जो है वो वॉश करने लगे हुए हैं, और जिन साहब की गाड़ी है वो सिर्फ पानी मारने का काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इनर क्लीनिंग के लिए वो ये वाला है, कीवी ब्रांड का है रिवाइव ऑल, और ये वुड विनाइल लेदर एंड फॉर्मिका के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। तो अंदर के जो ये कपड़ा वगैरह शीट लगी हुई है इसको हम इसके साथ क्लीन करेंगे, और जो बाहर की है आउटर उसको हम ही कॉस्मिक के साथ जो है वो पॉलिश करेंगे। कार वैक्स है, क्लीनिंग के लिए ही अच्छा होता है। तो ये कैंगरू का है कंपनी का, मेड इन कोरिया। तो हम इससे जो है इसकी आउटर क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके साथ अपनी सफाई शुरू करते हैं। इसका जो यूज़ का तरीका है वो ये है कि इसको यहाँ से इसकी कैप को उतार लेंगे, और जो यहाँ पे फालतू का सामान है वो यहाँ से उठा लेना हमने, और इधर ये इसका यहाँ पर स्प्रे बटन है, और इसको हम इस तरह से स्प्रे करेंगे और फिर कपड़े के साथ इसको साफ कर लेंगे। ऐसे इससे सफाई जो है वो बड़ी अच्छी होती है। रिवाइव ऑल नाम है इसका। तो ये जो ओरिजिनल होती है बिल्कुल उस पोजीशन पे ले जाती है चीज़ को। तो ये आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ऑयल भी होता है, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा है रिवाइव के लिए और क्लीनिंग के लिए। मैं अपने फर्नीचर के लिए भी इसी को यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, इनको कोई काम भी जो है वो अकेले नहीं कर सकते, तो इन बहुत ज़रूरी होता है कि जो ये काम कर रहे हैं उसमें मैं भी इनका साथ दूं। तो अभी मेरे करने का तो यहाँ पे कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे लिए काम निकाल लिया कि आप भी आगे ये करो, तो मुझे भी इन्होंने अपने साथ में लगा लिया। ये देखें, ये भी यहाँ पर आके देख रहे कि मैं काम कर रही हूँ कि नहीं, मेरी ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये अभी मेरा ऊपर का कॉर्नर रह गया और ये वाला मैंने पोर्शन कर लिया। तो आपने इसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी, बस नॉर्मली जितनी आप स्प्रे वाटर से जितनी आ सकती है, बिल्कुल इतनी कि ये पूरा जो है वो गीला हो सके अच्छे से और साफ़ हो जाए। तो अभी मैं इसको आफ्टर जो है ना आपको क्लीन करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इन्होंने एक और जो है वो बच्ची पकड़ के ले आए हैं, इससे भी आप ये काम करवाएँगे। ये देखिए गाइस, ये बंदा जो है वो बाहर से काम करता करता अंदर आ गया, इसका मेरे काम पे यकीन नहीं है, इंस्पेक्शन करने आ गया और अब खुद ही करना शुरू हो गए हैं। तो चलो एक अच्छी बात है, मेरी जान छूट गई, मैं अब यहाँ पे इन्हें कैप्चर कर सकती हूँ कि ये मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं और ये मुझे आँखों से डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी तो जनाब, ये देखिए पिछला कॉर्नर जो है वो स्टार्ट हो गया क्लीनिंग का, और शदीद मेहनत की जा रही है। सर, आप कितने अर्से से इस काम में हैं? मैं तकरीबन पिछले कोई एक घंटे से इस काम में नहीं, मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ कि आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए। मुझे तकरीबन घंटा हो गया है, घंटे का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने गाड़ी घर पे कभी साफ नहीं की, ऐसे बाहर से करवाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या जोश चढ़ गया घर पे गाड़ी साफ करने का। तो ये हमारी बच्ची जिन्होंने बाहर से जो है हमारी गाड़ी की सफाई कर दी है, थैंक यू ईमान। तो ये हमारी गाड़ी का जो है वो बाहर से भी साफ हो गया सारा, ये अच्छे से साफ हो गई काफ़ी। ये अभी इसके डाल लें गाड़ी के अंदर। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।